आपको दिसंबर 2023 की वो तस्वीरों तो याद ही होंगी जब कुछ लोगों ने संसद के भीतर घुसकर पीले धुएं के कनस्तर खोल दिए थे और संसद की सुरक्षा में भारी चूक हुई थी। लेकिन अब इस मामले में चौंकाने वाला मोड़ आ गया है। इस हमले के विचाराधीन कैदियों ने अदालत में कहा कि उन्हें विपक्षी पार्टियों से गलत तरीके से जोड़ने के लिए न्यायिक हिरासत में बिजली के झटके दिए गए और उन्हें टॉर्चर किया गया कि वो विपक्षी नेताओं का नाम ले दें कि उनके इशारे पर उन्होंने ये काम किया था। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक आरोपियों ने दावा किया कि उन्हें विपक्षी नेताओं का नाम लेने के लिए टॉर्चर किया जा रहा है। कानूनी समाचार वेबसाइट बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों ने दावा किया है कि पूरे प्रकरण के पीछे एक राजनीतिक दल या एक विपक्षी नेता का दिमाग होने के कारण उन पर पॉलीग्राफ, ड्रग और ब्रेन मैपिंग परीक्षण करने वालों ने उन पर दबाव डाला है। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें 70 खाली पन्नों पर हस्ताक्षर करने और UAPA के तहत अपराध कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। 6 आरोपियों में से 5 मनोरंजन डी, सागर शर्मा, ललित झा, अमोल शिंदे और महेश कुमावत ने दिल्ली में एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत का रुख किया है। लाइव लो की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत में उनके आवेदन में कहा गया कि उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल और मोबाइल फोन के पासवर्ड्स वगैरह प्रदान करने के लिए मजबूर किया गया था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट में कहा गया कि उन्होंने ये भी कहा कि उनसे उनके वर्तमान और पुराने मोबाइल फोन नंबरों के बारे में पूछताछ की गई थी और उनके पुराने और नए दोनों फोन नंबरों के सिम कार्ड जारी करने के लिए दूर संचार प्रदाता कार्यालयों में उन्हें ले जाया गया था। नीलम आजाद समेत सभी 6 आरोपियों को बीते बुधवार यानी 31 जनवरी को न्यायाधीश हरदीप कौर के सामने पेश किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जज ने 5 आरोपियों की अर्जी पर सुनवाई 17 फरवरी को तय करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत 1 मार्च तक बढ़ा दी है। न्यायाधीश कौर ने दिल्ली पुलिस को आवेदन में लगाए गए आरोपों पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ये बहुत सीरियस मैटर है, इसलिए जो जज हैं उन्होंने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। एकमात्र महिला आरोपी नीलम आजाद को 18 जनवरी को इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया गया था कि उसके खिलाफ आरोप गंभीर हैं और जांच अभी शुरुआती दौर में है, उन्हें जमानत नहीं मिली थी। आपको बता दें कि 13 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में तब गंभीर चूक देखी गई थी जब लोकसभा में सागर शर्मा और मनोरंजन डी नाम के लोगों ने दर्शक दीर्घा से हॉल में कूदने के बाद गैस के कनस्तर खोल दिए थे। इसमें धुआं था, इसमें रंग बिरंगा धुआं पूरे सदन में फैल गया था जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हो गई थी। जबकि नीलम आजाद और अमोल शिंदे ने केंद्र सरकार की कथित अधिनायकवाद के खिलाफ संसद के बाहर विरोध में नारे लगाए थे, वह सरकार का विरोध कर रहे थे। मनोरंजन डी और सागर शर्मा ने भाजपा के मैसूरू सांसद प्रताप सिम्मा से लोकसभा में दाखिल होने के लिए विजिटर्स पास प्राप्त किए थे, लेकिन अभी तक पास जारी करने वाले बीजेपी सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब सरकार से जवाब मांग रहे विपक्ष के नेताओं पर, सांसदों पर, 146 सांसदों को निलंबित कर दिया था, उन पर कार्रवाई की गई थी। लेकिन अब जो आरोप जांच एजेंसियों पर लगे हैं वो बेहद डराने वाले हैं, वो हर किसी को सन कर देने वाले हैं। क्या मोदी सरकार और जांच एजेंसियां आरोपियों को इसलिए टॉर्चर कर रही हैं ताकि विपक्षी नेताओं का नाम वो ले दें? क्या संसद हमले के पीछे विपक्षी नेताओं को फंसाने की साजिश हो रही है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब जांच एजेंसियों के साथ साथ सरकार को भी देना चाहिए, क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर है। संसद पर हमला करने वालों पर आरोप है कि वे भगत सिंह फैन क्लब नाम के एक सोशल मीडिया समूह का हिस्सा थे और बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के संकट जैसे मसलों पर सरकार की अनदेखी से नाराज थे और सरकार का इस ओर ध्यान खींचने के लिए उन्होंने संसद में स्मोक बम फोड़ दिए थे। उन्होंने कहा कि भगत सिंह की तर्ज पर हमने ये किया है, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में नीलम आजाद और जो ये शर्मा लड़का है, मनोरंजन और शिंदे, इन सबको पहले दिल्ली पुलिस ने 13 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया था। झा और कुमावत को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं वो भी चौंकाने वाली हैं। विपक्षी नेताओं को फंसाने के लिए क्या इस तरह की साजिश रची जा रही है? ये अपने आप में गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्यों ये लोग कह रहे हैं कि इन्हें बिजली के झटके दिए जा रहे हैं, टॉर्चर किया जा रहा है और इन पर दबाव डाला जा रहा है कि आप विपक्षी नेताओं का नाम ले दो और ताकि ये साबित हो जाए कि इनके कहने पर ये हुआ है, ये लोग साजिश में शामिल थे, यानी विपक्ष को घेरा जा सके। इन दावों ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अदालत को चाहिए कि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कराए, क्योंकि ये मामला सिर्फ लोकतंत्र में सत्ता के पक्ष का और विपक्ष का नहीं है, बल्कि जनता के मन में लोकतंत्र को लेकर पैदा होने वाले भरोसे का भी है कि हमें अपने लोकतंत्र, हमारी संसद पर भरोसा हो, जनता को जब वोट डालती है उसको भरोसा हो। इसलिए भी जरूरी है कि इस मामले की जांच हो, इसलिए जांच होनी ही चाहिए।
आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या सरकार विपक्ष को फंसाने के लिए इस तरह की कोशिश कर रही है, या ये जो आरोपी हैं ये झूठ बोल रहे हैं या अपने आप को बचाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं? इस पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। बहुत गंभीर मामला है। वैसे भी विपक्ष मुक्त भारत बनाने की तरफ सरकार बढ़ रही है। किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है, किसी को जेल में डाला जा रहा है, किसी पर छापे पड़ रहे हैं, और अब कहीं विपक्ष को इस बहाने भी परेशान ना किया जाए, इस तरह की आशंका भी लोग जाहिर करने लगे हैं। इस मामले पर आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज वीक। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।